हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो है किन किन बीमारियों में यूज कर सकते हैं साथ में जानेंगे इसके ब्रांड्स नेम के बारे में और यह कितनी कितने स्ट्रेंथ में आता है और इसके डेली डोज के बारे में तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं हमेशा इसी तरह का मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स पहली जो एंटीबायोटिक है वो है एजिथ्रोमाइसिन और ये जो है आपको मार्केट में अजित्राल अजी सिप अजी अजिमैक्स और अजी नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा और यह जो है 100 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे अजी नाम से जो है 500 मिलीग्राम की इसके जो मेन कंपोनेंट्स रहेगा अजिथ्रोमाइसिन रहेगा यहाँ पे अजी सिप नाम से देख सकते हैं इसके अंदर भी अजी अजिथ्रोमाइसिन है और यहाँ पे देख सकते हैं अजित है। जो है आप इसके अंदर भी अजी अजिथ्रोमाइसिन मिल जाएगा और इसके यूज की बात करें कि किन किन बीमारियों में यूज कर सकते हैं तो टंसिलाइटिस में यानि टॉन्सिल में सूजन हो गया हो उस कंडीशन में अजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का यूज किया जाता है फेरेंजाइटिस हो गया हो या लंग्स इन्फेक्शन हो गया हो कफ हो गया हो खांसी हो गया हो आर टी आई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो जैसे निमोनिया हो गया हो उस कंडीशन में स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जैसे स्किन में आपके कोई इन्फेक्शन हो गया हो सूजन आ गया हो स्किन में या अगर फोड़े फुंसी हो गया हो घाव हो गया हो तो उस कंडीशन में भी एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का यूज किया जाता है गोनोरिया में भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है साइनोसाइटिस हो गया हो या ईयर इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में अजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का यूज किया जाता है और डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है 250 मिलीग्राम की टेबलेट या 500 मिलीग्राम की टेबलेट जो है दिन में एक बार खाना खाने से पहले दिया जाता है और दूसरी जो एंटीबायोटिक है वो है अमोक्सीलिन अमोक्सीलिन जो है आपको एक मेन कंपोनेंट से इंग्रेडिएंट है और ये अलग अलग ब्रांड से आपको मार्केट में मिल जाएगा जैसे मोक्स नाम से आपको मिल जाएगा अलमोक्स वाई मोक्स नोवा मोक्स ये जो है इसके ब्रांड्स नेम है और भी बहुत से ब्रांड्स नेम आपको मार्केट में मिल जाएगा और ये जो है 125 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्मोक्स अल्मोक्स है जिसमें आपको एमोक्सी है इसके यहाँ पे देख सकते हैं नोवामोक जो है सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है इसके अंदर भी एमोक्सी सिलिन यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई है जो इसमें भी आपको एमोक्सी मिल जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं मोक्स लिखा हुआ है और इसके अंदर भी आपको एमोक्सी जो है मिल जाएगा ये आपको 125 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम 250 सौ मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आता है और इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ जो है फेरेंजाइटिस में यूज़ किया जाता है निमोनिया हो गया हो उस कंडीशन में भी आप एमोक्सिसिलिन के अपसूल का यूज़ कर सकते हैं आर टी आई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया हो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया हो स्किन में अगर सूजन हो गया हो या जख्म हो, हो गया हो फोड़े फुंसी हो गया हो घाव हो गया हो तो उस कंडीशन में भी आप एमोक्सीसिलिन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं कफ़ हो गया हो खांसी हो गया हो तो उस कंडीशन में भी एमोक्सीसिल कैप्सूल का यूज किया जा सकता है टाइफाइड फीवर टाइफाइड फ़ीवर हुआ हो तो उस कंडीशन में भी एमोक्सीसिल कैप्सूल का यूज कर सकते हैं मेनिनजाइटिस हो गया हो ई एन टी आप देख सकते हैं ई एन टी मतलब होता है ईयर नोज और थ्रोट यानी कान नाक और गले में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो तो उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं ई ए एंटी इन्फेक्शन यानी ईयरनोज थ्रॉट्स इन्फेक्शन हुआ हो तो उस कंडीशन में आप एमोक्सीलिन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं उंड हो गया हो यानी घाव हो गया हो तो घाव में भी आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं एमोक्सीलिन का यूज और गोनोरिया हो गया हो तो उस कंडीशन में भी एमोक्सीसिल कैप्सूल का यूज किया जा सकता है और इसके डोज़ की बात करें डेली डोज़ की तो ये जो है एडल्ट में जो है 250 मिलीग्राम की टेबलेट या 500 मिलीग्राम की टेबलेट जो है आप दिन में दो टाइम या तीन टाइम आप ले सकते हैं पर डे ये खाना खाने के बाद ले सकते हैं खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले कभी भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगली जो एंटीबायोटिक्स है वो है ओफ्लोक्सासिन ये आपको अलग अलग ब्रांड से मिल जाएगा इसमें आपको जेनफ्लॉक्स नाम से आपको ओफ्लॉक्स जो ओफ्लोमैक नाम से आपको ये मार्केट में मिल जाएगा और ये जो है आपको 100 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिल जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ ओफ्लोमैक ओफ्लोमैक जो है ये ओफ्लोक्सासिन इसके अंदर दो दो सौ मिलीग्राम है यहाँ पे जो है आ, इसमें भी आपको ओप्लोमैक्स जो है ओफ्लोक्सासिन जो है 200 मिलीग्राम मिल जाएगा यहाँ पे ओफ्लॉक्स है इसके अंदर आपको ओफ्लोक्सा जो है 400 मिलीग्राम मिल जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं जेनफ्लॉक्स है जो है इसके अंदर आपको ओफ्लॉक्सा जो है 200 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मिल जाएगा ये 100 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में मिल जाएगा और इसके यूज़ की बात करें तो ये जो है यू टी आई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो यानी पेशाब के रास्ते में अगर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो जैसे किडनी या ब्लैडर इन्फेक्शन हो गया हो किडनी में या ब्लैडर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कारण अगर यूरिन पास करते समय जलन होता है जलन फीस फील होता है दर्द महसूस होता है तो उस कंडीशन में आप ओफ्लोक्सासी कैप्सूल का टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं आर में आर यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो आ, उस कंडीशन में भी इस कैप्सूल का यूज किया जा सकता है जैसे आ, आपके श्वसन मार्ग में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में भी ओफ्लोक्सासिन के टेबलेट का यूज किया जा सकता है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी स्किन में या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया और सूजन है या घाव फोड़े फूंसी हो गया तो उस कंडीशन में भी कैप्सूल टेबलेट का यूज कर सकते हैं गोनोरिया में भी इस कैप्सूल का के, टेबलेट का यूज कर सकते हैं लंग्स इन्फेक्शन हो गया हो लंग्स uh, इन्फेक्शन जैसे निमोनिया हो गया हो खांसी हो गया हो तो उस कंडीशन में भी आप ओफ्लोक्सासिन टेबलेट का यूज कर सकते हैं जेनेटियल इन्फेक्शन हो गया हो यानी महिला के जन्नागों में किसी प्रकार किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में भी ओफ्लोक्सासिन टेबलेट का यूज किया जा सकता है स्टमक इन्फेक्शन जैसे डायरिया हो गया हो किसी को स्टमक में इन्फेक्शन हो गया हो जैसे में डायरिया हो गया दस्त लग रहा हो बार बार लूज मोशन तो उस कंडीशन में भी आप ओफ्लोक्सासिन टेबलेट का यूज कर सकते हैं टाइफाइड फ़ीवर में भी इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है तो आप टाइफाइड फ़ीवर में भी इस टेबलेट के यूज किया जा सकता है और डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है और डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है सौ मिलीग्राम की टेबलेट या चार सौ मिलीग्राम की टेबलेट जो है दिन में दो टाइम खाना खाने के बाद आप दे सकते हैं सौ मिलीग्राम से लेकर चार सौ मिलीग्राम की टेबलेट जो है कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं दिन में दो बार अगर दो सौ मिलीग्राम की टेबलेट देते हैं तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर तीन टाइम भी दिया जा सकता है सौ मिलीग्राम की टेबलेट भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर तीन टाइम दे सकते हैं लेकिन खाना खाने के बाद ही दिया जाता है और अगली जो एंटीबायोटिक्स है वो है एम्पेसिल एम्पेसिलीन जो है ये कैप्सूल फॉर्म में यहाँ पे है देख सकते हैं और ये जो है अलग अलग ब्रांड से और आपको दुकान पे जाएंगे अगर मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगा जिसमें आपको एम्पेसिलिन नाम से खुद ये मिल जाएगा और कैम्पेसिल नाम से भी मिल जाएगा रोसिलिन नाम से या बायोसिल नाम से ये अलग अलग नामों से आपको दुकानों पे शॉप में मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये दो सौ पचास मिलीग्राम और 500 सौ मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आता है और इसके यूज़ की बात करें तो ये जो है आरटीआई टी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया हो उस कंडीशन में आप एम्पीसीन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं ये निमोनिया हो गया हो आर यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी किसी भी प्रकार के श्वसन मार्ग में इन्फेक्शन हो गया हो आपके श्वसन रास्ते में अगर किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो गया हो जैसे निमोनिया हो गया तो उस कंडीशन में आप एम्पीसीन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में आप एम्पीसीन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं बोन इन्फेक्शन हो गया बोन जॉइंट इन्फेक्शन अगर आपके हड्डियों के जोड़े में इन्फेक्शन हो गया हो आपके हड्डियों के जॉइंट में सूजन हो गया हो तो उस कंडीशन में भी एम्पीसीन कैप्सूल का यूज किया जाता है मैन हो गया हो दिमागी बुखार हो गया हो तो उस कंडीशन में भी आप एम्फीसिलिन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं सैनोसाइटिस हो गया हो आपकी नाक की दीवारों में सूजन हो गया हो तो उस कंडीशन में भी आ, सर्दी के समय ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उस समय भी एम्पिसिलिन कैप्सूल का यूज किया जा सकता है जेनीटो यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया हो ये महिला के जन्नांग में जो पेशाब के रास्ते हो उसमें अगर किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो तो उस समय भी एम्पेसिल कैप्सूल का यूज कर सकते हैं कफ़ हो गया हो खांसी हो गया हो उंड हो गया हो घाव हो गया हो तो उस कंडीशन में आप एम्पिसिलिन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है 500 सौ मिलीग्राम की कैप्सूल से लेकर एक हज़ार यानी 500 सौ मिलीग्राम से लेकर एक हज़ार जो है आप दिन में दो टाइम खाना खाने के बाद दे सकते हैं ये एडल्ट में यूज करें बच्चों के लिए यूज ना करें बच्चों में देने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए है इस वीडियो में किसी को भी किसी भी प्रकार के खुद से दवा लेने की सलाह नहीं दी जाती है तो खुद से आप दवा न लें डॉक्टर की सलाह से ही दवा का यूज करें और अगली जो एंटीबायोटिक्स है वो है क्लिंडामाइसिन ये जो है आपको अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगा जिसमें आपको क्लिंडास्योर कैप्सूल क्लिंडा टाइम्स कैप्सूल डालासिन सी कैप्सूल ये आपको अलग अलग नाम से मार्केट में मिल जाएगा आप देख सकते हैं ये जो है 150 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में और 300 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आता है आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए क्लिंडा टाइम जो है ये 300 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में है इसके अंदर जो है क्लिंडा माइसिन है ये देख सकते हैं क्लिंडा स्योर जो है इसमें भी 300 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में है इसमें आपको क्लिंडा माइसिन मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं डालासिन जो है सी जो है कैप्सूल जो है ये भी तीन सौ के फॉर्म में है स्ट्रेंथ में है यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है 150 मिली की स्ट्रेंथ में है 150 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में डालस डाला सी कैप्सूल है और इसके यूज़ की बात करें तो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया हो यानी अगर आपके स्किन में किसी प्रकार के सूजन हो गया हो, घाव फोड़े पुंसी हो गया तो उस कंडीशन में आप क्लिंडामाइसिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो श्वसन मार्ग में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो जैसे लंग्स इन्फेक्शन हो गया हो उस कंडीशन में क्लिंडामाइसिन कैप्सूल का यूज़ किया जा सकता है निमोनिया हो गया हो तो उस कंडीशन में भी आप कलिंडामाइसिन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं डेंटल इन्फेक्शन डेंटल इन्फेक्शन हो गया हो या किसी प्रकार के आपको मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो सूजन हो गया हो तो उस कंडीशन में भी क्लिंडामाइसिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं दिमागी बुखार हो गया हो मैन इंजाइटिस तो उस कंडीशन में भी आप क्लिंडामाइसिन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं जनन मार्ग में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में भी क्लिंडामाइसिन कैप्सूल का यूज किया जा सकता है और डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है 150 मिलीग्राम की कैप्सूल या 300 मिलीग्राम की कैप्सूल यानी 150 से लेकर 300 मिलीग्राम की कैप्सूल जो है दिन में तीन बार जो है पर डे खाना खाने के बाद दे सकते हैं और इस सारे कैप्सूल का जो है और दवाओं का जो यूज़ है आप बिना डॉक्टर की सलाह से ना करें डॉक्टर की सलाह से ही करें यह सिर्फ जो है आपके नॉलेज के लिए है तो फ्रेंड्स ये था कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन की जानकारी जिसमें आपको अलग अलग मेडिसिन की जानकारी जिसमें ब्रांड नेम और कितनी कितने स्ट्रेंथ में आता है इसके यूज और डेली डोज के बारे में बताया आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा नॉलेज मिला हो तो एक लाइक कीजिएगा मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और किसी के भी काम आ सके तो फ्रेंड्स आगे की पार्ट चाहिए आपको अगला नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए लाइक कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा